बिसमिल्ल रन रही मॉनिटरी थेरी के टॉपिक में हम इंटरेस्ट रेट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरेस्ट रेट डिटामिनेशन उसकी थेरीज हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अब हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि ब्रॉडर सेंस में तो टॉपिक इंटरेस्ट रेट है लेकिन इंटरेस्ट रेट के अंदर सब टॉपिक चेंज हो रहा है और वो है आ, जो रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है या फिर आगे एक और स्ट्रक्चर हम इंटरेस्ट रेट का पढ़ेंगे इसकी तरफ अब हम मूव करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक का ये है यानी कि इसके बेसिक्स ये हैं इसका बैकग्राउंड ये है कि डिफरेंट बॉन्ड्स के ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं सारे बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट एक जैसा नहीं होता हाँ ये अलग बात है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंट बॉन्ड्स के, के हों वो लेवल में फ़र्क भी हों उनकी मूवमेंट डायरेक्शन एक ही होती है मसलन अगर मॉनिटरी पॉलिसी लूज़ हुई मनी सप्लाई इंक्रीज हुई और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम होते हैं गो कि उसमें एम्बिगुटी हो सकती है जैसा कि हमने पहले लेक्चर में सीखा लेकिन सपोज़ उससे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम होगा हाँ सारे बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट एक जितना नहीं होगा न एक जितना कम होगा न लेवल में एक जितना होगा लेकिन डायरेक्शन एक होगी सारों पर कम होगा और अगर पॉलिसी टाइट हो जाए सेंट्रल बैंक अपना पॉलिसी रेट इंक्रीज़ कर दे तो उसका नतीजा ये होगा कि सारे बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट बॉन्ड्स मूव इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर नॉट इक्वल इक्वल नहीं होते बल्कि एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो अब सवाल ये है कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स क्यों होते हैं जब बॉन्ड्स सारों के एक सारे ही बॉन्ड्स हैं और सबका एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो रही है उनके इंटरेस्ट रेट्स की तो इंटरेस्ट रेट इक्वल क्यों नहीं होते तो एक रीज़न ये हो सकती है कि जो टर्म टू मेच्योरिटी है यानी कि बॉन्ड कोई मेच्योर होता है ना पांच साल में कोई मेच्योर होता है दो साल में कोई मेच्योर होता है तीन साल में तो या तो उनकी टर्म टू मेच्योरिटी डिफरेंट है इस वजह से हमने कहा था कि जितना टर्म टू मेच्योरिटी ज्यादा हो होल्डिंग पीरियड से स्पेशली ज्यादा हो उतनी ही बॉन्ड प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं तो बॉन्ड रिस्की हो जाता है तो या तो ये रीज़न है कि डिफरेंट बॉन्ड्स के ऊपर इसलिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है कि उनका मेच्योरिटी पीरियड ही डिफरेंट है लेकिन अगर बॉन्ड्स का मेच्योरिटी पीरियड सेम हो जाए तब भी सारे बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट एक जितना नहीं होता यानी कि प्राइवेट सेक्टर अगर तीन साल का एक बॉन्ड इशू करे और गवर्नमेंट सेक्टर भी तीन साल का ही एक बॉन्ड इशू कर दे और एक ही टाइम पे करे तो उनका तो मेच्योरिटी पीरियड सेम हो गया लेकिन फिर भी अगर उनके इंटरेस्ट रेट्स फर्क हैं तो इसका मतलब है मेच्योरिटी पीरियड इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न बल्कि ये होगा कि कोई और रीजन भी हो सकती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते हैं तो अगर मेच्योरिटी पीरियड की वजह से या टर्म टू मेच्योरिटी की वजह से इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट नहीं है तो फिर दूसरी रीजन ये हो सकती है के उनके रिस्क स्ट्रक्चर में फर्क उनके रिस्क स्ट्रक्चर में फर्क है तो रिस्क स्ट्रक्चर फर्क हो बॉन्ड्स का तो उसकी वजह से भी उनका रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट हो जाएगा इसमें हम पहले ये पढ़ते हैं कि रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट तो अब इंटरेस्ट रेट है या जो यील टू मेच्योरिटी है इफ दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड फॉर सेम मेच्योरिटी पीरियड इसका मतलब ये है कि अगर टाइम पीरियड सेम हो मेच्योरिटी पीरियड सेम हो स्टिल देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट बाड्स इट मींस देयर इज डिफरेंस इन द रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ दोज बॉन्ड और उनके दरमियान जो स्प्रेड होता है यानी कि रिस्क स्ट्रक्चर में अब रिस्क स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि कोई बॉन्ड ज़्यादा रिस्की होगा और कोई बॉन्ड जो है वो कम रिस्की होगा तो उनके दरमियान जो स्प्रेड है ये भी याद रखेंगे वो स्प्रेड हमेशा एक जैसा नहीं रहता वो स्प्रेड भी कम ज्यादा हो सकता है रिस्की बांड और रिस्क कम रिस्क वाले या रिस्क फ्री बांड के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा होगा लेकिन बहरहाल एक स्प्रेड रहता है तो पॉइंट ये हमें क्लियर हो गया कि अगर दो बाड्स के दरमियान मेचोरिटी पीरियड का डिफरेंस नहीं है और फिर भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है तो वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस रिस्क की वजह से होगा यानी कि दोनों पे रिस्क का लेवल सेम नहीं होगा वो डिफरेंट होगा अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है डिफॉल्ट रिस्क ये है कि व्हेन इश्यूअर ऑफ अ बॉन्ड इज अनएबल आर अनविलिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अनएबल आर अनविलिंग टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट आर पे ऑफ द फेस वैल्यू वेन इट मेच्योअर्स इसका मतलब यह है कि जब कोई भी बांड का इशूअर जिसने लोन लिया था और बॉन्ड इशू किया था वो या तो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करने के काबिली नहीं है या विलिंग नहीं है दोनों सूरतों में कहें हम कहेंगे वो डिफॉल्ट कर रहा है अब एक तरफ कारपोरेशन होती हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो कारपोरेशन बॉन्ड्स इशू करती हैं और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं अब इन दोनों में क्या फ़र्क है जो कारपोरेशनज हैं उनको चूंकि लॉस हो सकता है तो इसका मतलब है उनके बॉन्ड के ऊपर डिफॉल्ट रिस्क हमेशा रहेगा लेकिन उसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं तो गवर्नमेंट चूंकि मनी भी क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट लोगों पे टैक्स भी लगा सकती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम होते हैं एज़ कंपेयर टू कॉर्पोरेशन तो इसलिए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं या इवन डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स कहलाते हैं यानी कि वो उनके ऊपर डिफॉल्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं रिस्क प्रीमियम थोड़ा सा मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया कि जो रिस्की बांड मसलन कारपोरेशंस का बांड या प्राइवेट सेक्टर का बांड उसके ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट है और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बाड है या ट्रेजरी बिल है जिसके ऊपर रिस्क ना होने के बराबर है उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट रेट है तो रिस्क फ्री एसेट में लोग कम इंटरेस्ट रेट पे भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे जबकि रिस्की एसेट में कम रेट पे नहीं करेंगे तो रिस्की एसेट्स का रिटर्न ज्यादा होगा किसके मुकाबले में आ, रिस्क फ्री या डिफॉल्ट फ्री वाले बॉन्ड्स या एसेट्स के मुकाबले में तो वो जो डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम है यानी कि रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि कोई बंदा कोई इन्वेस्टर रिस्की एसेट में तब तक नहीं इन्वेस्ट करेगा जब तक रिस्की एसेट उसको ज्यादा रिटर्न ना ऑफर करे यानी कि रिस्क का प्रीमियम प्रीमियम ना ऑफर करे इसे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। अब मैं आपको यही रिस्क प्रीमियम वाली बात डायग्राम से समझा देता हूं कि किसपोज हमेरे पास दो किस्म के बॉन्ड्स हैं एक कारपोरेशन का बॉन्ड है जहां जहां पे डिमांड और सप्लाई के साथ सी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कारपोरेट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे टी लिखा हुआ है ये ट्रेजरी बॉन्ड्स को यानी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके ऊपर रिस्क कम है या ना होने के बराबर है या नहीं है तो इनिशियली हम अस्यूम कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की डिमांड और ट्रेजरी बिल्स की डिमांड एक जैसी है और दोनों की सप्लाई भी एक जैसी है इस वजह से जो दोनों की प्राइस है यानी कि पी सी वन और पी टी वन ये दोनों आपस में इक्वल इनिशियली इसका मतलब है कॉरपोरेशन के ऊपर भी रिस्क नहीं था उनके बॉन्ड्स पे अब हम अस्यूम करते हैं कि कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जो हैं या प्राइवेट सेक्टर का जो बॉन्ड है उसके ऊपर रिस्क बढ़ गया जब उसके ऊपर रिस्क बढ़ेगा तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे इसलिए डी जो है वो लेफ्ट साइड पर है डी के लेकिन एट द सेम टाइम वो जो अमाउंट प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड से निकलेगी तो रिलेटिव सेंस में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा रिस्क फ्री हैं चूंकि तो वो डिमांड उधर शिफ्ट हो जाएगी इसलिए जो ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड का हुआ वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया तो वो जो दोनों की प्राइस सेम थी नेट रिजल्ट ये कि जो कारपोरेट है उसकी प्राइस कम हो गई और जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसकी प्राइस ज्यादा हो गई और ट्रेजरी बॉन्ड जिसकी प्राइस ज्यादा होती है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब है ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ये जो गैप है इन दोनों में कहलाता है रिस्क प्रीमियम तो नेट रिजल्ट अगर हम निकालें तो नेट रिजल्ट यह है कि अ बॉन्ड विद डिफॉल्ट रिस्क विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव रिस्क प्रीमियम यानी कि उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड या किसी भी रिस्क फ्री बॉन्ड से के रिटर्न से ज्यादा होगा ठीक है एंड एन इंक्रीज इन इट्स डिफॉल्ट रिस्क विल रेज द रिस्क प्रीमियम अब जितना जितना रिस्की बॉन्ड का रिस्क बढ़ता जाएगा उतना रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा और दूसरी बात कि क्वालिटी ऑफ बॉन्ड आर इट्स रिस्क इज़ रिफ्लेक्टेड इन रेटिंग बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ आपको पता है आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या टीवी पे सुनते हैं कि मूडीज़ ने पाकिस्तान का रेटिंग चेंज कर दी या किसी भी और रेटिंग एजेंसी ने जो है वो फला मुल्क की रेटिंग चेंज कर ली तो क्वालिटी ऑफ बॉन्ड क्या होती है किसी मुल्क का या किसी प्राइवेट मुल्क के प्राइवेट सेक्टर का या किसी मुल्क के गवर्नमेंट सेक्टर का ये रेटिंग एजेंसीज़ बनी होती हैं जो रेटिंग करती हैं कि यह किस क्वालिटी का बांड है मतलब इसके ऊपर कितना रिस्क है थैंक यू